So again, you are most welcome, Dakshaj Bana. Beautiful mares you have in your stable. बहुत अच्छा कलेक्शन आपने रखा हुआ है. सो बहुत अच्छे एटीट्यूड के जानवर रखना अपने आप में एक प्राउड है. इट्स अ प्राइड इटसेल्फ. तो मैं जान सकता हूँ कि आप किस तरह का फीड इन्हें करते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग और नाइट, किस तरह का फीड आप फॉलो करते हैं? फीड जैसे डिफर करता है कि घोड़ी प्रेग्नेंट है या फिर किस मंथ में चल रही है प्रेगनेंसी के, तो उस हिसाब से देते हैं. बाकी जो कॉमन पैटर्न जो चलता है वो होता है कि दाना जाता है, दाना मोस्टली हम जौ का दलिया देते हैं. देन सर्दियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है तो आ जाता है चने की चूरी दे देते हैं. देन और काफ़ी लोग चापट देना पसंद करते हैं, बट आई डोंट प्रेफर चापट पर्सनल, कुछ भी वो होए. बाकी जौ का दलिया सबसे बेस्ट है, बिकॉज क्या है ना कि पहले भी मारवाड़ी घोड़े हैं तो मारवाड़ से निकले, मारवाड़ में होता गया था, जौ का दलिया ही होता था. तो खैर गेहूँ भी होता था, बट चापट इतना चलन में नहीं है वैसे हमारे यहाँ. पंजाब में ज़्यादा चापट देते हैं घोड़ों को, यहाँ पे जौ का दलिया ही देते हैं हम. देन ये जो शाइन आप देख रहे हैं, शाइन का मेजर रीज़न है टाइप ऑफ सूखा चारा. आप रफेज क्या देते हो? तो रफेज हम इनको देते हैं मूंगफली का चारा. मूंगफली का चारा भी मारवाड़ की पैदाइश है, तो इसीलिए ये इनके लिए बहुत बहुत गुणकारी होता है. और इसी कारण मतलब शाइन का एक मेजर रीज़न वो भी रहता है. पहले मैं कुट्टी देता था तब मेरे को इतनी शाइन नहीं दिखती थी. मतलब मैं पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस है कि आप घोड़े को मूंगफली का चारा खिलाइए और मेजर मूंगफली का चारा, मतलब मेजर परसेंटेज टोटल डाइट में तो 75% मूंगफली का चारा देंगे, आपको घोड़े में परिवर्तन दिख जाएंगे. ओके. देन हिचका देते हैं, क्योंकि आई थिंक मैं ऐसा मानता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ. मूंगफली इटसेल्फ, मूंगफली में ऑयल है. बिल्कुल, बिल्कुल. और मूंगफली का चारा डेफिनेटली ऑयल मेंटेन करता होगा अपने अंदर. सो वो थोड़ा सा फाइबर भी है, चारा भी है, जो कि इनको टेस्टी भी लगता होगा. थोड़ा स्वीट भी होता होगा, तो एक जानवर का टेम्परामेंट हैप्पी होगा, प्लस उसको फीड में उसको ऑयल कहीं ना कहीं जा रहा है. सो दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं एक कारण होगा कि उसको शाइनिंग आता है. एम आई राइट? ओके. मूंगफली का यही है रीजन, ऑयल भी होता है और उसका जो टेम्परेचर होता है मॉडरेट होता है. प्रेग्नेंट घोड़े के गर्मी नहीं करेगा और ना ही मतलब घोड़े को ज्यादा कोल्ड होता है. मॉडरेट टेम्परेचर का होता है, घोड़े के कोई दिक्कत नहीं करता. और बेस्ट रफेज में वही है. रिचका देते हैं हम, रिचका अराउंड एक घोड़ी के 10-15 किलो के बीच में रिचका होता है. ओके. तो मेजर प्रोटीन परसेंटेज होता है वो रिचके में निकलता है. ओके. बिकॉज एक घोड़े का जो रिक्वायर्ड प्रोटीन होता है वो होता है 3 pounds. 3 pounds मतलब करीबन 1.5 kilo के लगभग होता है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम. फिर भी आप अगर 10 kilo रिचका दे रहे हैं तो उसके अंदर 1500 ग्राम प्रोटीन होता है, तो बहुत सफिशिएंट है. आप रिचका दीजिए, रिचका इज़ वेरी गुड. और रिचका ठंडा भी होता है. देन कई लोग बोलते हैं रिचका पैरों में नमी लाता है तो हूफ ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है. तो उसके लिए मैंने आपको बताया था इंजन ऑयल जो है उसका अच्छे से यूज में लीजिए. रिचका बहुत कारगर रहेगा वैसे तो. बिल्कुल, क्योंकि ग्रीन, आई थिंक ग्रीन से सबसे ज़्यादा हैप्पी होते हैं जानवर. तो ग्रीन कुछ ना कुछ जाता रहना चाहिए इनके. ग्रीन तो मेजर आपके रहना ही चाहिए. हाँ ना. हाँ, बाकी आप सूखा चारा दे रहे हैं वो 75 वेल एंड गुड. बाकी का आप फिर दलिया, और दलिया जो हम देते हैं, ये जो जैसे बड़ी घोड़ी है इसको रिक्वायरमेंट होती है, अभी जैसे 2 months हो है प्रेगनेंसी, 3 किलो की रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा देते नहीं है. बिकॉज यहाँ काम नहीं है घोड़ी के, घोड़ी के काम है आप दे रहे हो देन बहुत बढ़िया है. बाकी दलिया आपको तभी बढ़ाना चाहिए जब काम दे हो आप. आपने दलिया बढ़ा दिया, आप काम नहीं दे रहे, घोड़ी के कॉले होगा डेफिनेटली. ज़्यादा दलिया काम का नहीं है. ठीक है, ये दिखता है कि आप रही तो आप घोड़े को अच्छा खाना खिला रहे हो, बट वो बिल्कुल ही सही नहीं है. मैं प्रेफर नहीं करता कि आप 5-5 किलो घोड़े को दलिया दे दो. उस घोड़ी को जिसको आप बिल्कुल काम नहीं देते, ना मात्र आपने 15 मिनट की लंजिंग दी, बोला कि आप आज खूब काम हो गया घोड़े का, बस काफ़ी है, ये ऐसे नहीं होता है. कई देखा है. करेक्ट है. हाँ. सो अभी आप जैसे मैं बार बार शायद मुझे नहीं करना चाहिए इंडिकेट, बट स्टिल आई एम सॉरी, बट आई वुड लाइक टू आस्क, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप 15 एंड हाफ ईयर्स के आप हो. सो अभी जैसे एनिमल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि घोड़े में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कॉलिक सबसे मेन इशू है उसका, उसके बाद तो बहुत सारे टिक्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे हूप्स का प्रॉब्लम है, लेग्स का इशू है, लेग्स में पानी का इशू है, और बहुत सारे इशूज़ हैं.
बहुत ज्यादा डिटेलिंग में भी नहीं जानता, बट जो मोटा मोटा मैं जानता हूँ वो मुझे ये पता है। तो कैसे पता लगता है आपको कि कॉलिक का भी जानवर हो रहा है हमारा? कॉलिक तो घोड़ा अच्छे से आपको बता देगा कि घोड़े के कॉलिक है या नहीं। मेन जो क्या होता है ना कि आप एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप घोड़े के सामने एनी टाइम पानी मत रहने दो। ओके। आप पानी मतलब जैसे आपने एक खेली में भर के रख दिया, अब आपको पता नहीं घोड़े ने कितना पानी पिया, तो वो बिल्कुल मत कीजिए। आपको कॉलिक का 1% अंदाजा नहीं पड़ने वाला, और मतलब जब तक वो सीवियर लेवल पे नहीं पहुंच जाए। अगर आपको कॉलिक जल्दी पहचानना है, छोटे लेवल पे पहचानना है, तो घोड़े को इंटरवेल्स में पानी पिलाइए, सामने बाल्टी रखिए, देखिए कितना पी रहा है घोड़ा। मैंने सुना है कि फादर साहब आपके कम आते हैं यहाँ पे, आप ही ज्यादातर संभालते हैं इनको, आप ही ज्यादातर क्योर करते हैं, ध्यान रखते हैं इनका। कैसे पता करते हैं आपके कॉलिक है कि नहीं? कॉलिक का पहली बात तो आप कॉलिक नहीं होने दे, उसके ही पहले प्रिवेंशन ले लीजिए। तो मैं प्रिवेंशन भी आपको बता देता हूँ। प्रिवेंशन ऐसा है कि आप चारा दे रहे हैं, छड़ावा दीजिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, राइट? और मिट्टी नहीं होनी चाहिए, घोड़ा मिट्टी खुद चाट लेगा यदि मिनरल सामने नहीं रखा हुआ है। तो घोड़े के सामने मिनरल ब्लॉक होना चाहिए, जिसको आप सेंधा नमक कहते हैं हिंदी में, वो दीजिए। जिस घोड़ी को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है उसको कैल्शियम दीजिए। प्रेगनेंसी में कई बार, लास्ट प्रेगनेंसी जब होती है तब कई बार घोड़ियाँ मिट्टी चाटने लग जाती है ड्यू टू लेस कैल्शियम एंड लेस मिनरल। ओके। तो आप मिनरल्स दीजिए, कैल्शियम दीजिए, इससे प्रिवेंट कर सकते हैं आप कॉलिक को कहीं ना कहीं। और आप जैसे मैं मूंगफली का चारा देता हूँ, मूंगफली के चारे में यूजुअली मिट्टी काफ़ी रहती है, तो आप मूंगफली का चारा लेने जाए, आप देखिए थोड़ा अच्छा होए, मिट्टी कम होए, पुराना नहीं होए, देन छान के आप एक मशीन आती है छानने की उसको यूज़ कीजिए, राइट? और दाना कम दीजिए, दाना ज़्यादा देंगे कॉलिक होएगा इवेंचुअली, ये तो कंफर्म बात है ही। देन लिक्विड पैराफिन आता है काफ़ी, मतलब बहुत कम लोगों को मालूम है ये, बट लिक्विड पैराफिन बहुत ही कारगर चीज़ है। उसको आप हर 2 महीने में देते रहिए, घोड़ी को 1 लीटर लिक्विड पैराफिन दाने में मिला के पिला दीजिए हर 2 महीने। उससे आपकी घोड़ी के बिल्कुल कॉलिक नहीं होएगा, ये मेरी गारंटी है, ये डॉक्टर्स की गारंटी है। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी तीनों में से आज तक एक भी घोड़ी के कॉलिक नहीं हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। एंड अभी जाए तो भी उसका प्रिवेंशन मैं बता देता हूँ कि घोड़ा क्या होता है ना, पानी पीना छोड़ देता है, खाना खाना छोड़ देता है, पेट में दर्द होता है तो किसी चीज़ से टकराएगा, जैसे पीछे स्टेबल की दीवार है, दीवार से जाके भिड़ेगा, पाइप से जाके भिड़ेगा, ऐसे ऐसे करेगा। तो तब आपको क्या करना है, आप घोड़े को बैठने मत दीजिए, घोड़ा बैठने जा रहा है उसको हाथ पे उठा दीजिए, बैठने ही मत दीजिए, राइट? फिर उसके बाद जो सुना है मैंने स्टमक भी स्मेल करता है घोड़ा बार बार। ऐसा मेरे साथ मतलब दूसरे फार्म पे एक बच्ची है उसके साथ हुआ था, स्मेल वेल का तो सीन नहीं था, बट मैनेजर मैंने देखा कि खाना पीना छोड़ दिया और दीवार से जाके भिड़ने लगी। ये तीनों तो मेरी निगरानी में, इनको कुछ नहीं होता, उस पर मेरी कम नजर पड़ती है, तो उसको हो गया था। तो उसके अंदर क्या वो भिड़ने लग गई, देन उसको बैठने नहीं दिया हमने। और कॉलिक में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो आप ड्रिप चढ़ा दीजिए, ठीक है? और ड्रिप चढ़ाने के बाद जो सबसे बेस्ट इंजेक्शन जो कॉलिक पे काम करता है वो होता है मैग्लेडाइन। ओके। हाँ जी, आप मैग्लेडाइन का डोज लगा दीजिए, घोड़ी को रिलीफ मिल जाएगा। और जब तक घोड़ी नॉर्मल नहीं हुई तब तक मत जाइए, क्योंकि घोड़ा गलती से बैठ गया, घूम गया, पलटी खा गया, देन इंटेस्टाइन में ट्विस्ट आ जाएगा एंड वो इंस्टेंट डेथ होनी है। तो मतलब ऑन स्पॉट डेथ। वेरी नाइस यार, ग्रेट ग्रेट नॉलेज यू हैव इन योर एज। आपके एज के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, एंड आई अप्रिशिएट टू योर पेरेंट्स कि उन्होंने इतनी अच्छी एजुकेशन और इतना अच्छा नॉलेज आपको दिया है। सो अमेजिंग यार। और घोड़ों में जो शाइन और जो ब्यूटी और जिस तरह से आप ग्रूम उनको रखते हो, ग्रूमिंग उनकी रखते हो, इट्स वेरी अप्रिशिएबल, अमेजिंग। दक्षराज बना, आप गुरु किसको कहेंगे आपकी? गुरु फर्स्ट ऑफ ऑल की शौक मेरे अंदर घोड़ों का मतलब शौक था ही नहीं, पापा पहले रखते थे, बट बहुत बचपन की बात है जब मैं छोटा था, तब अभी मेरे को 2 साल पहले पापा ने फोर्स करा, वी शुड ब्रिंग अ हॉर्स, मेला चल रहा था पुष्कर मेला, घोड़ा लेने गए, घोड़ी पसंद आ गई, माया स्ट्रक्चर अच्छा लगा लिया है। देन धीरे धीरे मेरे को जो शौक लगा ना, वो मैं कहना चाहूँगा जो भावरसा पीपड़ा है, ठीक है, हीज माय काकुसा, मतलब पापा के छोटे भाई एक तरह से आप मान लीजिए, तो उनके कारण मेरे नॉट रियल कजिन में होंगे। हाँ जी, नहीं वैसे फैमिली में नहीं है, बट जैसे सेम है, ब्रदरहुड, ओके, हमारा क्या रिलीजन भी सेम है, कास्ट सेम है, तो इस कारण। और तो बाकी मतलब ही इज अ वेरी नाइस पर्सन,
आप अगर जानते हैं उनको तो देन आप उनसे मदद लीजिए, बिकॉज ही इज़ अ वेरी मतलब बहुत ही हेल्पिंग नेचर है उनका, तो उनके कारण मेरे को कई चीज़ें सीखने को मिली। देन मेरे पास बहुत ही अच्छे वेट मिले मेरे को शुरुआत में, तो ये मेरे साथ अच्छा रहा। वेट जो है डॉक्टर उदय सिंह जी है आपकी, मतलब मैं तो वही प्रेफर, ही इज आल्सो राठौड़ ना, ही इज नो ही इज तंवर, ओके हाँ, मतलब वो राजपूत ही हैं राइट, पर बाकी आप राजस्थान में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है देन ही इज द बेस्ट डॉक्टर इन माय ओपिनियन, ओके ठीक है। सोनोग्राफी मशीन लाते हैं, मशीन से आपको बेबी दिखा देंगे अंदर कैसा हो रहा है, ठीक है, ना ट्विंस का लफड़ा ना कुछ, ना स्वेलिंग है तो पता चल जाएगा घोड़ी के, मतलब ही इज द बेस्ट डॉक्टर। और तो इसी कारण मतलब इतना ज़्यादा मैं थोड़ा नॉलेज ले पाया। कभी कॉलिक हुआ मैंने डायरेक्ट उनको कॉल कर दिया, बच्ची के कॉलिक हुआ, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, तो मतलब इस कारण ही मेरे को अच्छी सीख मिल रही है। देन अमित काकसा है जुजावर वाले जिनके घोड़े से ये अभी प्रेग्नेंट है, वो भी मतलब उनकी नॉलेज से तो क्या कहने, मतलब इज़ वेरी नॉलेजेबल, उनको उनके पास जो कलेक्शन आप देखते रह जाएंगे ये तो कहीं अड़ती नहीं है फिर, खैर बिकॉज मैं ही नहीं अड़ता, खैर उनके सामने कितने सालों का एक्सपीरियंस है, और वेरी डाउन टू द ग्राउंड पर्सन, बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेरे को भी नॉलेज दी। नो नो नो, देर इज़ नो कंपेरिजन, देर इज़ नो कंपेरिजन, आपका नॉलेज आपकी एज में बहुत ज़्यादा है और अकॉर्डिंग टू योर एज, और आपके एनिमल्स देर इज़ नो कंपेरिजन, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे ऑल थ्री आर वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम टू मी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एक अपनापन और एक अच्छी अपब्रिंगिंग यहाँ पे दिखती है, और आपकी प्रॉपर्टी नो डाउट अनडाउटली बहुत ही सुंदर है। इट्स अ पुष्कर फोर्ट, आप जरूर आइए, आप सभी से मेरा एक अनुरोध कह लो, या कह लो कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने यहाँ आके एक्सपीरियंस किया है, आप लोग आएँ यहाँ पे और इस प्रॉपर्टी को एक्सपीरियंस करें, और यहाँ के एनिमल्स को और दक्षराज बना के नॉलेज को आप आके जरूर एक्सप्लोर करें, मज़ा आएगा आपको, अच्छा लगेगा यहाँ की एनर्जी, यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स को देख के, पुष्कर अपने आप में एक पॉजिटिव वाइब्स लिए हुए हैं, और उसके बाद और जो उसमें तड़का लगता है ब्यूटी का वो आप यहाँ आके देखिए। दिस इज़ पुष्कर फोर्ट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, वेलकम।